हेलो गाइज एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल कर रहे हैं कि झारखंड कंबाइंड का आखिर एग्जाम फॉर्म कब आएगा और प्रिपरेशन किस तरह से करनी है और क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, मैं बहुत सारा क्वेश्चन देख रहा हूँ और जस्ट अभी भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखा है कि जो भी मैंने प्रीवियस ईयर करवाया हुआ है, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं क्या सर क्वेश्चन उसी में से आएगा। तो सर देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं वो बिल्कुल सियोरिटी नहीं है कि उसी से क्वेश्चन आएंगे। मैंने एक आपको बिल्कुल और बिल्कुल बताया हुआ है कि क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं, कंफर्म सियोरिटी ये कह पाना मुश्किल है कि सेम क्वेश्चन ही आएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको ही पता है कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो वो बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन सेम नहीं होता है। ये एक आपका मॉडल पेपर हो सकता है, आप इसको समझ सकते हो कि क्वेश्चन इस तरह से आएगी। ठीक है, दूसरी बात, जो भी बीएससी नर्सिंग के हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, पैरामेडिकल के हैं और भी जो कुछ अल्टर जो एग्जाम्स हैं एग्रीकल्चर वाले हैं, उन सभी के लिए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे के लिए क्वेश्चंस हैं। तो बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल और बिल्कुल ध्यान से समझिए ताकि पैटर्न जो देखिए, मैंने जितना भी वीडियो डाला है, चाहे बायो का हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, ये जितना और मैथ्स भी हो, जितने के भी क्वेश्चंस हैं उससे आपको एक चीज का अनुमान लग जाएगा कि ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि ज्यादा फॉर्मूला पूछे जाते हैं, डायमेंशन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन है, ये आप उसको आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यहीं पे होगा तो ज्यादा इसमें आपको आसानी होगी समझने में। जो आप सिलेबस के लिए परेशान हो कि सर सिलेबस किस तरह से आएगा, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आने वाली है कि कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इससे ज्यादा आसानी आप लोगों को मिलेगी समझने में। ठीक है, और प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि एडमिट कार्ड कब आने वाली है, तो सर आपका एडमिट कार्ड लगभग इस मंथ में कंप्लीट आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और जो भी फर्स्ट वीक होगा दिसंबर का उसमें आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। जिनका सीबीटी है उनका सीबीटी होगा, जिसका पेन पेपर मोड है उनका पेन पेपर मोड होगा। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नेगेटिव मार्किंग कम कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग वैसे भी इसमें कम है बट स्कोरिंग भी इसमें कम है, एक क्वेश्चन पे एक मार्क्स मिलते हैं। तो भाई अगर 0.5 मार्क्स भी कट जाते हैं आपके तो बहुत ज्यादा ही रैंक पीछे चला जाएगा, तो ध्यान देना है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग में ध्यान रखना है, जिनको भी जिनका जिस तरह से ये मार्क्स आएगा काउंसलिंग का फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा। किस तरह से काउंसलिंग का फॉर्म भरना है मैं भी वो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक ऐप के बारे में जान लेते हैं, एक ऐप है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह से ये काम करता है ये ऐप, आप लोग के लिए क्या खासियत है इस ऐप में। ठीक है, 8400400400, जी हाँ याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि चाहे अब आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर डाउट का क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस आपको अपने फ़ोन में 8400400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना है और चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी डाउट है सवाल को उसको क्रॉप करना है, 5 सेकेंड में वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा सीधा आपके अपने व्हाट्सएप पे। क्लास 6 to 12 ITJEE मेंस एडवांस नीट और CBSE स्टेट बोर्ड वालों बच्चों के लिए, तो देर किस बात की है, जाइए और अपना सवाल पूछिए और अपने डाउट को कीजिए आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, तो काउंसलिंग में किस तरह से क्या करना है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, दूसरी बात कि बिल्कुल अच्छे से स्टडी कीजिए, जो भी आप लोग का देखिए सबसे पहले जो आप लोग का वर्क पावर एनर्जी है, दूसरी बात यूनिट एंड डायमेंशन जो भी है उसका, जो भी आप लोग का फॉर्मूलाज होता है उसको कम्प्लीटली याद कर लीजिए, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको याद करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। बायो में आपको जितना भी आप लोग का जो चैप्टर्स है उसको ध्यान रखना है, डाइजेशन चैप्टर को याद रखिएगा, एक्सक्रीशन ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे लिविंग वर्ल्ड हो मॉर्फोलॉजी हो इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर ये सब क्वेश्चन से ज्यादा पूछे जाते हैं तो ध्यान देने वाली बात है आप लोगों के लिए। दूसरी बात, पेपर आसान होता है इसलिए बिल्कुल इजी समझिएगा इसको, कुछ ऐसा नहीं है कि नीट से ज्यादा टफ आता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, नीट से कम ही रहता है इसका स्कोरिंग। तो बिल्कुल जिन्होंने भी नीट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल उसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ते रहिए, समय अभी भी है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हुए हमारे चैनल पे उसको बिल्कुल आप देखिए, उस पर अमल कीजिए, उसको समझिए, और जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम, हमारा इंस्टाग्राम भी है AR एजुकेशन हब, वहां जाके मुझे फॉलो करके DM कर सकते हो। प्लस दूसरी बात, आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है आप बिल्कुल पूछ सकते हो, वहां पर मैं सोल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, और हाँ, ट्यूजडे को लाइव आने वाले हैं तो उसमें जो भी प्रॉब्लम है आप वहां पर बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, एग्जाम कब होगी, कैसे प्रिपरेशन करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कुछ दिन बचे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं सारा कुछ वहां पर आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, जो भी चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर बेल प्रेस कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।